राम राम। मैं भाई किसान भाई आपका, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, आप शायद अब हमारा आप दुख समझ सकते हैं। दोस्तों आज हो गई लगभग जुलाई में 12 तारीख, तो एक महीना बरसात जो होती है वो एक महीना बरसात निकल गई, एक पानी बूंद पानी नहीं बरसा। आप ये खेत मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, सूखा पड़ा, इनमें धूल उड़ रही है। ये महीने में ये हाल नहीं होता था, इनमें चारों तरफ हरियाली दिखती थी खेतों में, क्योंकि बारिश होती तो ऑटोमेटिक हरियाली होगी, घास होगी, अन्य फसल होगी। तो इस समय आप मेरे बैकग्राउंड में पीछे आप देख रहे होंगे सूखा पड़ा हुआ। दोस्तों ये किसान के लिए दोस्तों बहुत ही दुखद खबर होती है कि जब बारिश नहीं होती, बारिश के ऊपर सारी खेती डिपेंड होती है। कहीं कहीं बारिश हो रही है तो वो कोई महत्व तो नहीं है, मुझे ज़रूरत है तो बारिश नहीं हो रही है। हमारे यहाँ कोई नहर या नदी नहीं है, जितनी भी खेती होती है वो समरसेबल जो होता है लाइट से चलती, उसके ऊपर डिपेंड है, और लाइट भी उतनी नहीं आती। आती भी है तो कितनी खेती में पानी लगेगा, पानी सिंचाई हो पाएगी। तो हम किसान लोगों को बस यही एक विनती करते हैं कि इन चीज़ों से जूझना पड़ता है। कभी कोई फसल पैदा हो गई उसका भाव गिर गया, कभी ओले पड़ गए, कभी बारिश हो गई, कभी सर्दी की वजह से सर्दी में फसल ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से सब झेलना पड़ता है, क्या करें, लाइफ है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जीने के लिए। आप लोग मेरा इमोशन समझ सकते हैं, दुख समझ सकते हैं, इसी से सब कुछ होता है। हमारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, आप ये समझिए कि अगर आपके पास कोई जॉब है, अगर एक महीने के लिए छूट जाए तो आप घर चलाना कैसा मुश्किल पड़ता है। बहुत कहना सोचते हैं किसान बहुत वो खुश रहते हैं, कुछ नहीं, हम लोगों जाड़ा गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते हैं, खेतों में काम करना पड़ता है, कोई एक निश्चित भाव नहीं है खेती का। माफ़ करना दोस्तों, हवा चल रही है और वो भी सूखा पड़ा हुआ है, शायद बारिश अब क्या होगी, और हो भी जाएगी तो बहुत लेट हो गई फसलें, बहुत ही लेट हो जाएगी, का बरसा जब कसी सुखानी। तो इस तरह से लोग पुरानी कहावतें कहते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, हमारी बात अच्छी लगे तो कमेंट करना और बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।